Good morning to everybody. Welcome back to our YouTube channel, Bhugol Channel. Today our topic is a Roman geographer contribution in geographical thought. So, geography में या geographical thought में भौगोलिक चिंतन में Roman भूगोल वेताओं का क्या योगदान रहा है? तो Roman geographer इससे पहले हम geographical thought में एक कालक्रम के according चलते आ रहे हैं, तो सबसे पहले ग्रीक विद्वानों के बारे में हमने बात की। यूनान वासियों ने किस प्रकार से ज्योग्राफी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें होमर के बारे में हमने पढ़ा जो इलियड ओडिसी लिखते हैं, ठीक है। उनके बाद में हमने हिकेटियस है, हेरोडोट्स है, हिप्पास है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है, अरस्तु और प्लेटो के बारे में। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें रोमन ज्योग्राफर्स का क्या अहम रोल रहा है ज्योग्राफी में, और भौगोलिक चिंतन में वो अपने क्या थॉट्स या विचार शेयर करते हैं, तो उसी के बारे में आज हमारी क्लास है। तो रोमन कंट्रीब्यूशन इन ज्योग्राफी। तो रोम साम्राज्य मेडिटेरियन सी के आसपास लगने वाला क्षेत्र, बेसिकली इटली के आसपास वाला एरिया इसमें शामिल है। तो रोम साम्राज्य अपने आप में एक बड़ा एम्पायर था, और उस समय के जो विद्वान हैं उन्होंने ज्योग्राफी में योगदान दिया। बेसिकली नाम आता है स्ट्रेबो का, स्ट्रेबो और टॉलमी। इनके अलावा पिलनी, जिन्होंने हिस्टोरी का नेचुरल लिखी है, और अगला है पॉम्पोनियस मेला। ओके, तो ये बेसिकली फोर विद्वान हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान रोमन साम्राज्य की तरफ से ज्योग्राफी में रहा है। तो सबसे पहले स्ट्रैबो कंट्रीब्यूशन टू ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और उसके बाद पी साइलेंट है, इसको टॉलमी कहते हैं, ठीक है। तो टॉलमी एक विद्वान है जिनका नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और आपने सुना है कि मानचित्रों के बारे में अगर बात की जाती है तो टॉलमी का नाम सबसे पहले आता है, और ये वही टॉलमी हैं जिन्होंने मानचित्र कला में निपुण थे, और इन्होंने मानचित्रों का संग्रह किया है। तो इन्होंने लगभग 26 मानचित्रों का संग्रह ज्योग्राफी का भी लिखा है, ठीक है। और ये है स्ट्रैबो, जो एक ग्रंथ लिखते हैं, बुक्स ना लिख करके ग्रंथ लिखते हैं, और वो ग्रंथ का क्या नाम है, द ज्योग्राफी, सॉरी द ज्योग्राफी टॉलमी की बुक है, जिसमें मानचित्रों का संग्रह बनाते हैं। और स्ट्रैबो एक ग्रंथ लिखते हैं, सभी ने क्या लिखा, बुक्स लिखते हैं, लेकिन स्ट्रैबो ने बुक्स की बजाय क्या लिखा, ग्रंथ लिखा है, ओके। और उसका नाम है ज्योग्राफी का। कंफ्यूज नहीं होना है, ये बार बार आते हैं, ज्योग्राफी का किसने लिखा है, ज्योग्राफिया किसने लिखा है, द ज्योग्राफी किसने लिखा है, और ये तो दो बार आ चुका है कि ज्योग्राफी ज्योग्राफी का किसने लिखा है। तो ज्योग्राफी का जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है स्ट्रैबो ने, और 17 खंडों में इन्होंने इस ज्योग्राफी का नाम ग्रंथ का प्रकाशन किया है। तो कब हुआ इनके ग्रंथ का प्रकाशन, 1469 में, ओके। तो स्ट्रैबो ग्रंथ लिखते हैं और टॉलमी को मानचित्र के लिए जाना जाता है। इजी हो गया है, इनकी एक महत्वपूर्ण पहचान बन चुकी है कि स्ट्रैबो ज्योग्राफी का लिखते हैं, जो 17 खंड में उसको प्रकाशित करते हैं। ग्रंथ का नाम है ज्योग्राफी का, और ये 1469 में प्रकाशित होता है, क्लियर है। तो अब स्ट्रैबो के बाद जब टॉलमी की बात करते हैं तो मानचित्रों से इसका रिलेशन जोड़ के हम इसको याद कर लेते हैं। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ रोमन स्कॉलर में दो महत्वपूर्ण ज्योग्राफर है, जिसमें स्ट्रैबो का नाम आता है और टॉलमी का नाम, क्लियर, ओके। अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रैबो कंट्रीब्यूशन टू ज्योग्राफी। तो स्ट्रैबो का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो स्ट्रैबो की हम बात करते हैं तो स्ट्रैबो
एक हम कहें कि नियतिवादी, जो कि नेचर बेस्ड थिंग्स पर अपना विश्वास रखते हैं, कि निश्चयवाद की ओर हम कहें कि स्ट्रैबो का महत्वपूर्ण योगदान जो रहा है वो नियतिवाद या निश्चयवाद पर बेस्ड रहा है, मतलब प्रकृति को सर्वे सर्वा मानते हैं, और स्ट्रैबो को क्षेत्रीय भूगोल का जनक माना जाता है, महत्वपूर्ण बात है। तो स्ट्रैबो को क्षेत्रीय भूगोल का जनक माना जाता है, और क्षेत्रीय भूगोल का मीन है जो हम कहते हैं क्षेत्रीय वर्णनी शब्द, क्षेत्र वर्णनी शब्द का यूज भी इन्हीं के द्वारा सबसे पहले किया गया था, क्षेत्र वर्णनी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है ये कि क्षेत्र वर्णनी शब्द किसने दिया है, तो स्ट्रैबो ने क्षेत्र वर्णनी शब्द गढ़ा है, और स्ट्रैबो ने भूगोल को क्षेत्रीय भूगोल के रूप में उन्होंने स्टडी किया है, इसी कारण से कहा है कि भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, ठीक है। और भूगोल, इन्होंने क्षेत्र वर्णनी शब्द दिया, और भूगोल को क्या कहा है, क्षेत्र वर्णनी विज्ञान। तो स्ट्रैबो ने ही क्षेत्र वर्णनी विज्ञान का। अगला देखिए, प्राकृतिक सीमाओं द्वारा विश्व का विभाजन इन्होंने किया है, तो प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर इन्होंने विश्व का विभाजन भी किया है। अगला देखिए, उन्होंने भूगोल को एक तो वर्णक्रम विज्ञान घोषित किया, सेम एच, भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान कहा है। अच्छा, नेक्स्ट है उनकी पुस्तक ऐतिहासिक संस्मरण 43 खंडों के साथ में उन्होंने लिखी। तो मैंने कहा कि सभी जो ज्योग्राफर्स हैं या जो भी राइटर्स हैं उन्होंने बुक्स राइट करी है, लेकिन उन्होंने पूरे ग्रंथ लिखे हैं, और भौगोलिक ग्रंथ इन्होंने लिखा है जिसका नाम है ज्योग्राफी का, और वो 17 खंडों में प्रकाशित हुई है। 17 वॉल्यूम है इनकी ज्योग्राफी का पुस्तक में, और 4 शाखाएं बेसिकली इसमें शामिल है, जिसमें ये गणितीय, भौतिकी, राजनीति और ऐतिहासिक भूगोल के बारे में चर्चा करते हैं। क्लियर है? स्ट्रैबो की बुक का नाम है ज्योग्राफी का, जिसमें 17 वॉल्यूम है, और उन 17 वॉल्यूम में 4 फील्ड्स के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। पहला, ये मैथमेटिकल वे से राइट करते हैं, और भौतिक वे से भी राइट करते हैं, फिजिकल वे से भी, और हम कहें पॉलिटिकल प्रस्पेक्टिव से भी लिखते हैं, और ऐतिहासिक कालक्रम के बारे में भी ये जिक्र करते हैं इन 17 वॉल्यूम्स। क्लियर है? अगला देखिए, पृथ्वी का आकार गोलाकार है, जियो सेंटर्ड थ्योरी या भू केंद्रित अवधारणा के बारे में भी स्ट्रैबो ने जिक्र किया है। अच्छा, मुझे बताइए सबसे पहले कि ये जो जियो सेंटर्ड थ्योरी है इसमें किसने पहले वर्क किया है? इनसे पहले, स्ट्रैबो से पहले हम पढ़ चुके हैं, ग्रीक या रोमन विद्वानों में पढ़ा है हमने कि जियो सेंटर थ्योरी इन्होंने दी थी, तो स्ट्रैबो के अलावा किसने दी थी, ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए अगले 7 पॉइंट्स पर, कैस्पियन सागर अंतर्देशीय सागर और उत्तरी महासागर से जुड़ा है, तो कैस्पियन सागर अंतर्देशीय सागर और उत्तरी महासागर से जुड़ा हुआ है, ऐसा स्ट्रैबो ने बताया। क्लियर है? जो 17 वॉल्यूम है जिनकी हम अभी बात करेंगे उसमें भी इन्होंने पूरा ब्यौरा दे रखा है इन्हीं राइन रिवर के बारे में, और फ्रांस और ब्रिटेन का भी जिक्र इन्होंने किया है, यूरोप का और एशिया का वर्णन इन्होंने प्रस्तुत किया है, अफ्रीका के बारे में भी बताया है। तो देखिए, विस्तृत क्षेत्रों की वैकल्पिक उन्नयन और अवनमन का सिद्धांत इन्होंने दिया, वैकल्पिक उन्नयन और अवनमन का सिद्धांत इन्होंने दिया। तो चलिए, स्ट्रैबो इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, तो प्रादेशिक भूगोल के पिता हैं।
ओके क्योंकि क्योंकि इन्होंने क्षेत्र वर्णनी शब्द घड़ा है और भूगोल को एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान का, क्लियर है। तो इसी प्रकार से इन्होंने भूगोल को कोरोलॉजी साइंस का, इंग्लिश टर्म है। बहुत बार मिस्टेक हो जाती है कि क्वेश्चन पेपर में जब इंग्लिश और हिंदी दोनों मेंशन होते हैं, लेकिन जब आप सिर्फ हिंदी को देख करके आंसर कर देते हैं और इंग्लिश में जो उसका मीन होता है वो अलग ही होता है, तो एक बार आप इंग्लिश का जो जरूर देखें, इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन का क्या मीन है, क्या कहना चाह रहे हैं, तो एक बार इंग्लिश में भी देख लेना चाहिए। तो कोरोलॉजी साइंस, जिसको हम क्षेत्र वर्णनी हिंदी में कहते हैं, ठीक है, क्षेत्र वर्णनी विज्ञान भी इन्होंने कहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो कि स्ट्रैबो ने महत्वपूर्ण बातें यहां पर, तो सबसे महत्वपूर्ण बात इनकी ज्योग्राफी का इन्होंने लिखा है। ज्योग्राफी का स्ट्रैबो के अलावा भी किसी ने लिखी है तो बताइए। चलिए मैं ये बता देती हूँ, इरेटा स्निज ने लिखी है, बट वो जो बुक है उसमें एस्ट्रोनॉमी प्लस में मैथमेटिकल जिक्र ज्यादा है और ज्योग्राफी का भी प्रॉपर इन्होंने भूगोल के विभिन्न स्थानों के बारे में जिक्र किया है, ठीक है। तो ज्योग्राफी का प्रकाशन, ज्योग्राफी का बुक की लैंग्वेज क्या है, लेटिन भाषा। तो लेटिन भाषा में लिखा हुआ ये ग्रंथ है और 17 इसमें वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि 17 वॉल्यूम्स हैं और प्रकाशन कब हुआ है, 1469 में, क्लियर है। अब इनकी जो सेकंड बुक है उसका नाम है हिस्टोरिकल मेमोरीज। हिस्टोरिकल मेमोरीज नेक्स्ट इनकी बुक का नाम। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रैबो जो कि नियतिवादी है और इन्होंने क्षेत्र वर्णनी शब्द दिया है, इन्होंने जो ज्योग्राफी का ग्रंथ लिखा है उसमें क्या क्या कहना चाह रहे हैं। इनकी जो ज्योग्राफी का पुस्तक है उसमें 17 खंड है और ज्योग्राफी का में इन्होंने क्या क्या लिखा है, तो नंबर 1 की बात करें, सबसे पहले इन्होंने विषय की प्रस्तावना पहले खंड में की है, विषय की प्रस्तावना प्रस्तुत की है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सेकंड वाला जो खंड है उसमें इरेटा स्निज, अब देखो रिलेशन भी इनका जुड़ गया है, जिस प्रकार से इरेटा स्निज ने ज्योग्राफी का लिखा उसी में इरेटा स्निज के कार्यों की समीक्षा स्ट्रैबो करते हैं, इरेटा स्निज के कार्यों की समीक्षा। क्या समीक्षा की है, बड़ाई करते हुए उसकी जो बुराइयां हैं उनको उजागर किया है, ठीक है। अगला देखिए, फिर ये यूरोप का विवरण भी देते हैं और यूरोप के अलावा यूरोप और एशिया का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। तो ये इलेवन जो वॉल्यूम्स है, इलेवन वॉल्यूम्स में एशिया और
यूरोप दोनों का वर्णन करते हैं। 11 से 16 तक कंप्लीट एशिया की बात करते हैं। इलेवन टू 16 वॉल्यूम में एशिया का विवरण प्रस्तुत करते हैं। क्लियर है। अफ्रीका का भी वर्णन करते हैं। नेक्स्ट फ्रांस ब्रिटेन का इटली और सिसिली द्वीप का भी विवरण करते हैं प्रस्तुत, क्योंकि जिनकी हम बात कर रहे हैं इसके आसपास लगने वाले क्षेत्र में ही इटली और सिसिली के आसपास रोमन एम्पायर बेसिकली इटली के आसपास फैला हुआ। ठीक है, अगला देखिए राइन रिवर के बारे में बात करते हैं। अपने अलग अलग खंडों में ये इसका जिक्र करते हैं। यूनान का भी, यूनान एथेंस जिसके हम बात करते हैं, यूनान के बारे में भी इन्होंने बात की है। भारत और अफगान पंद्रहवें खंड में वर्णन प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा ये असीरिया की बात करते हैं। अफ्रीका 17 वॉल्यूम्स में ये अफ्रीका की बात करते हैं। हो गया है लास्ट। तो इस प्रकार से स्ट्रैबो ने अपना एक ग्रंथ लिखा ज्योग्राफी का, और उसमें विभिन्न भिन्न स्थानों के बारे में विवरण प्रस्तुत किया है। तो ये स्ट्रैबो है। स्ट्रैबो के बाद टॉलमी महोदय का क्या ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन रहा है? तो सबसे पहले गणितीय भूगोल के सुदृढ़ सिद्धांत इन्होंने विकसित किए। टॉलमी मिश्र निवासी, ठीक है, और टॉलमी ने बेसिकली 3 बुक्स लिखी हैं। पहली इनकी बुक का नाम है अल्मागस, ये फर्स्ट बुक, ठीक है। सेकंड इनकी बुक का नाम है एनालेम, सेकंड बुक का नाम है एनालेमा, और एनालेमा अल्मागस दोनों खगोलिकी की बुक, एस्ट्रोनॉमी इसमें ये राइट करते हैं। ओके, इसके बाद द ज्योग्राफी लास्ट इनकी थर्ड बुक है, और ये 8 खंडों में सम्मिलित है, और इन 8 खंडों में ये लगभग 26 मानचित्र संग्रह, जो उनकी उत्कृष्ट कलाकारी से बनाए गए मानचित्रों को इन्होंने प्रस्तुत किया है, और मानचित्र प्रक्षेपण के सहायता से इन्होंने मैप बनाए हैं। तो उन्होंने टेरा ऑस्ट्रेलियस इंकोग्निटा की अवधारणा को भी प्रचारित किया है। उनके कुछ छोटे मोटे कार्य हैं वो प्रकाशिकी और टेट्रा बी बोलस इन्होंने लिखा है। तो टॉलमी की 3 महत्वपूर्ण बुक हैं एनालेमा, अल्मागस जो दोनों एस्ट्रोनॉमी की बुक हैं, और थर्ड इनकी बुक का नाम है द ज्योग्राफी। तो द ज्योग्राफी बुक किसने लिखी है? टॉलमी ने लिखी है, जिसमें ये मानचित्र, जो मानचित्रों का संग्रह है। ओके, मानचित्रों का संग्रह है ये, और 26 इसमें मानचित्रों का विवरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। मानचित्र जो उनकी उत्कृष्ट कलाकारी से बनाए हुए मानचित्र हैं, प्रक्षेप का यूज करके। टॉलमी को साहित्यिक चोर कहा जाता है,
क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम जो अपना काम किया है उसमें पहले से पूर्व के जो विद्वान हैं जिन्होंने पहले से ये सभी हम कहें कि मानचित्र के बारे में कैसे बनाते हैं, प्रक्षेप के बारे में या अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में, ये सभी इन्होंने किसी से हूबहू उठा करके अपने फिलोसफी में डाले हैं और इन्होंने अपनी थ्योरीज में भी डाले हैं। तो ये परिधि के बारे में बताते हैं, वृत्त की परिधि के बारे में बताते हैं। वृत्त की परिधि भूमध्य रेखा की बात करते हैं, ये वृद्ध वृत्त की बात करते हैं। ओके, इनके अलावा यामोत्तर रेखा की भी बात करते हैं, मानचित्र प्रक्षेप के बारे में भी बताते हैं जो कि 2D और 3D, या हम कहें ऑर्थो और स्टीरियो, किसने बताया? ऑर्थोग्राफी और स्टीरियोग्राफी, जो कि पहले से ही विद्वान बता चुके हैं। ज्यादातर इन्होंने हेरोडोट्स और हिपकार्स की बातों को चोरी किया है। तो मानचित्र में ऑर्थोग्राफिक और स्टीरियोग्राफिक स्केल पर इन्होंने जो मानचित्र बनाए हैं, प्रक्षेप का इन्होंने चोरी किया है, वो हेरोडोट्स से किया है। क्लियर है? तो स्टीरियोग्राफिक और ऑर्थोग्राफिक मेथड का इन्होंने यूज किया है। यूज करते हुए इन्होंने लिखा है, आप देखिए, द ज्योग्राफी को भूगोल की गाइड भी कहते हैं, और भूगोल की गाइड का मीन है कि संपूर्ण जो ज्योग्राफी है वो आप समझ सकते हैं किसके माध्यम से, मानचित्रों के माध्यम से। और ये जो मैप बनाए हैं टॉलमी ने, और टॉलमी ने गलत मैप जब बनाया था इसी कारण से कोलंबस भारत की खोज करने के लिए मानचित्र के टॉलमी के द्वारा बनाए गए मानचित्रों के को फॉलो करते हुए भारत के लिए भारत आने के लिए उन्होंने इस मानचित्र को फॉलो किया। पर दिशा भ्रम के कारण से या गलत मानचित्र के डायरेक्शन के कारण से वो कोलंबस अमेरिका जा पहुंचे और उन्होंने नई दुनिया की खोज की। क्लियर है? तो इसी प्रकार से टॉलमी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है मानचित्र बनाने में, और द ज्योग्राफी गाइड ऑफ ज्योग्राफी लिखने में। नेक्स्ट विद्वान की बात करें तो पॉम्पोनियस मेला और पिल्ली, पिलनी की, ये भी रोमन साम्राज्य से रिलेटेड है, और पिलनी की फेमस बुक का नाम है हिस्टोरिकल नेचुरल, नेचुरल हिस्टोरिकल नेचुरल हिस्टोरिकल नेचुरले या हिस्टोरिकल नेचुरल जो भी है, पिल्ली की बुक का नाम। नेक्स्ट जो ज्योग्राफर हैं और उनका नाम है पोम्पोनियस मेला। पोम्पोनियस मेला ने डी कोरोग्राफी और कॉस्मोग्राफी लिखी। ये कॉस्मोस नहीं है, कॉस्मोग्राफी है, ठीक है? कॉस्मोलॉजी आगे की बात है, जो विद्वान आएंगे तब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। कॉस्मोग्राफी और डी कोरोग्राफी पॉम्पोनियस मेला की बुक है, पिलने की बुक हिस्टोरिकल नेचुरल है, ठीक है? तो इस प्रकार से रोमन एम्पायर के जितने भी ज्योग्राफर हैं और उन्होंने ज्योग्राफी में अपना क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसके बारे में आज के हमारी क्लास है। तो इसी के साथ ये है आज की क्लास का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में, जिसमें हम अंधकार युग की बात करेंगे, फिर हम अरब के विद्वानों की बात करेंगे, खोज काल पुनर्जागरण काल की बात करेंगे, ठीक है? तो इसी के साथ ये है क्लास का एंड।
मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में. थैंक यू. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन. नेवर मिस एन अपडेट.